नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लाइफ केयर विथ गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूँ इस मोगरा प्लांट के बारे में, जिसको जैस्मिन भी कहते हैं। बेला, मोगरा कई नामों से जाना जाता है। तो आज मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ कि इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र आप डालेंगे तो इसमें फ्लावरिंग होगी और इसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। अगर आप लोग अपने घर में मोगरा का प्लांट लगाए हुए हैं और उसमें फ्लावरिंग नहीं आ रही है या फिर उसमें ग्रोथ नहीं स्टार्ट हो रही है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं इसमें सारी जानकारी देने वाली हूँ और बताऊँगी कि कौन कौन सी खाद आप इसमें डालेंगे और किस तरह से इसकी केयर करना है तो इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। जिस तरह से मैं इसमें फर्टिलाइज़र डालती हूँ और जिस तरह से मैं इसमें केयर करती हूँ, वही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अगर आप लोगों के प्लांट में फ्लावरिंग नहीं आ रही है और वीडियो को आप लोग पूरा देख लेते हैं और उसी तरह से आप लोग भी फर्टिलाइज़र डालेंगे तो आपके प्लांट में भी फ्लावरिंग ज़रूर स्टार्ट होगी। इसीलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। और ये देखिए, फॉर्चून वाला डिब्बा है, उसी में ये लगा है। बहुत बड़ा पॉट नहीं है, बावर्ची वाला डिब्बा है, वही प्लास्टिक का, उसी में लगा है देखिए। और इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है। तो स्टार्ट करते हैं, जो हमने इसमें फर्टिलाइज़र डाला है वही हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अभी हमको फिर से फर्टिलाइज़र डालना है तो अब हम वही दिखाएंगे। सबसे पहले हमें इसको 2 इंच तक गुड़ाई करके इसकी मिट्टी ऊपर से निकाल लेनी है। और मिट्टी निकाल लेने के बाद आप करीबन 2 इंच तक मिट्टी निकाल लीजिए और गुड़ाई करने के बाद 1 दिन के लिए आप छोड़ दीजिए। तो इसकी हमने कल गुड़ाई कर दी थी और अब आज हम इसकी मिट्टी निकाल ले रहे हैं, थोड़ा सा मिट्टी जिससे सूख जाए। आपने देखा किस तरह से मैंने मिट्टी निकाला है, तो इसी तरह से मिट्टी निकाल लेनी है। उसके बाद ये देखिए, मेरे पास कुछ प्याज के, आलू के, भिंडी के, सब्जियों के छिलके हैं, तो उनको आप इस तरह से बिछा दीजिए। आप चाहो तो फल के छिलके भी ले सकते हो, जैसे केला है, संतरा है, तो कभी कभी जब मेरे पास रहता है तो मैं फल के छिलके भी डाल देती हूँ और नहीं तो सब्जियों के छिलके। इस तरह से आपको सब्जियों के छिलके ऊपर से बिछा देना है। और छिलके बिछा देने के बाद फिर देखिए, हमने लिया है गोबर की खाद, जो कि एकदम पुरानी है। इसमें 4 मुट्ठी खाद है और इस तरह से पूरा हमको बिछा देना है। उसके ऊपर से पूरा बढ़िया से लेयर खाद की बिछा देनी है। आपको 2-3 साल पुरानी खाद हो जो, वही आप बिछाइए। अगर आपने लीफ फर्टिलाइज़र बनाया है तो, जो घर की बनाई जाती है, तो उसको भी आप बिछा सकते हैं। और उसके ऊपर से इस तरह से हमें मिट्टी जो निकाले हैं उसमें से, वही मिट्टी बिछा देनी है। आप चाहो तो अलग से भी मिट्टी ले सकते हो, लेकिन वही मिट्टी अगर आप लोग यूज करते हो तब भी कोई बात नहीं है। तो इस तरह से लेयर बिछा देना है। और अगर प्लांट की कंडीशन बहुत ख़राब है तो उसमें आप 5-6 दाना DAP भी डाल दीजिए, जिससे प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। और इस तरह से ऊपर से मिट्टी की लेयर बिछा देने से ये रहेगा कि वो उसी में नीचे खाद और गोबर सब सड़ता रहेगा और इसके लिए अच्छी कंपोस्ट तैयार होगी और प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी। और उसके बाद इसमें वाटरिंग कर देनी है। और फर्टिलाइज़र डालने के बाद इस तरह से इसमें हमेशा नमी बनाए रखिएगा। इसमें डेली वाटरिंग कीजिए और जब भी वाटरिंग कीजिएगा तो शाम शाम वाटरिंग कीजिए।
और इसको फुल सनलाइट में रखिए। अगर ये फुल सनलाइट में रहेगा तभी इसकी ग्रोथ अच्छी होगी। तो वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।